नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लासेंटल बैरियर्स। जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स और प्लासेंटल बैरियर्स इनको जानने, इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इधर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो हम बहुत आसानी से इन दोनों टॉपिक को समझ सकते हैं। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फार्माकोलॉजी इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहते हैं, उसके डेफिनेशन में ये बताई जाती है कि रिवर्सिबल मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम ए वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे में इसी डिफिनेशन को थोड़ा सा और अपने फार्माकोलॉजी टर्म का यूज करें तो हम वहां पर डिफाइन क्या करेंगे कि रिवर्सिबल ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट टू द पेरिफेरल कंपार्टमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट किसे कहेंगे और पेरिफेरल कंपार्टमेंट किसे कहेंगे? जो हमें बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम का हम नाम देते हैं इट इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट। और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है, बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है और सेल्स है, उनको जब हमें कॉमन नाम देना होता है तब हम उसका नाम देते हैं इट इज द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहे, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहे, तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सेबल ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द ब्लड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और into the tissues or cells is called drug distribution। हम लोगों ने जान लिया कि drug distribution क्या होता है, pharmacology में drug distribution कैसे define करेंगे। अभी जो drug distribution होती है, जो reversible transfer होती है, reversible movement होती है drug molecule का, उसके अंदर जो mechanism involved होता है, वो मेरे तीन mechanism involved होता है। एक का नाम देते हैं passive diffusion, दूसरे का नाम देते हैं active pore transport और तीसरे का नाम देते हैं specialized active transport। या हम ऐसा कर सकते हैं, पहला नाम देंगे filtration, दूसरे का नाम देंगे passive diffusion और तीसरे नाम देंगे specialized active transport mechanism। यह board पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये जो ट्रांसफर हो रही है, जो मूवमेंट होती है, जनरली ये कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया कि इट मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यदि सपोज करें कि ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग का अमाउंट ज्यादा है तो वहां से ब्लड मूव करेगी टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इनटू द सेल। या यदि सेल के अंदर ब्लड ड्रग का अमाउंट ज्यादा है तो वहां सेल से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो ब्लड में आएंगे। इस तरह इनकी रिवर्सिबल ट्रांसफर, रिवर्सिबल मूवमेंट होती रहती है। और ये जो मूवमेंट है टोटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी और इन द पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो ड्रग की जो मूवमेंट हो रही होती है, इस मूवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, जब बॉडी के अंदर जो इसके एनालिसिस की जाती है तो ऐसा पाया जाता है कि बॉडी के हर एक ऑर्गन में इक्वली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। किसी ऑर्गन में ड्रग का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी ऑर्गन में ड्रग का अमाउंट कम होगा। तो अब ये जो ड्रग का, कहीं पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, कहीं पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं जो ड्रग के रिस्ट्रिक्शन, ड्रग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ड्रग के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। उन्हीं में से एक फैक्टर है, उसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि बाधा, मतलब रुकावट है। बॉडी के अंदर कुछ बैरियर्स होंगे जो बैरियर्स ड्रग के मूवमेंट को, ड्रग के ट्रांसफर को ब्लॉक करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। अब ये जो बैरियर्स हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी का अलग अलग पार्ट में अलग अलग बैरियर्स होते हैं, पहले हम उसका नाम जान लेते हैं कि वो बैरियर्स क्या क्या है और फिर हम उन बैरियर्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, फिर उन बैरियर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बैरियर है दैट इज द सिंपल ब्लड कैपिलरीज एंडोथेलियल बैरियर्स। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिंपल ब्लड कैपिलरीज एंडोथेलियल बैरियर्स। दूसरे लोग कहते हैं सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स। तीसरे कहेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर्स। चौथा लोग कहेंगे ब्लड एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड बैरियर्स। पांचों लोग कहेंगे प्लासेंटल बैरियर्स और तीसरे लोग कहेंगे टेस्टिस बैरियर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वन इज द, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज द सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर्स। दूसरा हो गया हमारा सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स। तीसरा हो गया हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर्स। चौथा हो गया ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड बैरियर्स। पांचवा हो गया प्लासेंटल बैरियर्स और छठा हो गया हमारा ब्लड एंड टेस्टिस बैरियर्स। मींस बॉडी के जो अलग अलग पोर्शंस होंगे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग बैरियर्स होंगे और ये बैरियर्स ड्रग के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ड्रग के मूवमेंट को ब्लॉक करती हैं। अब हम इन्हीं बैरियर्स को एक एक करके स्टडी करते हैं कि ये बैरियर्स हैं क्या और ये किस तरह से ड्रग के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, किस एक्सटेंट तक ड्रग के मूवमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट कर पा रही है। तो सबसे पहला हमारा बैरियर, इसका नाम दिया गया सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर्स। अब ये जो सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर्स है, हम सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी होती है, आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स को, और जहाँ पर वो टिश्यू और सेल्स तक पहुँचती है उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं।
वो आर्टरी कैपिलरीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड और टिश्यूज तक अपने ब्लड को पहुंचाती हैं और फिर उस ब्लड और टिश्यूज का जो भी केमिकल्स होगा, जो भी ड्रग होगा, जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो हमारे टिश्यूज या सेल्स के अंदर एंटर करती हैं। यहाँ पे हम लोग केमिकल और न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस पे हमें स्ट्रेस देंगे ऑन द ड्रग। अब सपोज करें कि जो ब्लड के साथ जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो कैपिलरीज तक पहुंच गई, अब वो कैपिलरीज से वो ड्रग कहाँ एंटर करेंगी, इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से एंटर करेंगी सेल के अंदर। तो अब जब वो ब्लड कैपिलरीज से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर एंटर कर लिए तो वहां पर एक वाल होगा, एक ब्लड कैपिलरीज की वाल होगी और वो कैपिलरीज की वाल उसके ड्रग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। अभी जो कैपिलरी की जो वाल है वो वाल जो होता है वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो वाल होंगी वो ब्लड कैपिलरी जो वाल होती है वो ब्लड कैपिलरी वाल एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं और इसीलिए इस बैरियर का नाम दिया गया सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल, सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर्स। अब यहां पे थोड़ा सा हो सकता है कि एंडोथेलियल वर्ड आ गया, कि एक नया सा टर्म आ गया, एक नई सी वर्ड आ गई, इसको याद करने में परेशानी होगी। बहुत ही आसान सा वर्ड है, बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। हम अपने एचएपी में फर्स्ट ईयर के एचएपी में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज होती हैं, उनमें से एक टिश्यू का नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि जो सरफेस के ऊपर जो टिश्यूज पाई जाती है उस टिश्यू को क्या नाम देंगे, इट इज द एपिथेलियल टिश्यू। और जो सरफेस के नीचे पाई जाएंगे, एपी मतलब ऊपर, ऊपर हो गया थेलियल, एपिथेलियल एंडो मतलब नीचे, मतलब जो टिश्यू नीचे जो जो सरफेस के नीचे वाली पोर्शन पाई जाएंगी उसे हमें क्या नाम देंगे, इट इज द एंडोथेलियल टिश्यू। तो ये जो एंडो जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, वहां वहां पे एपिथेलियल सेल्स नहीं होंगी, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है और एंडोथेलियल सेल्स से हमारी जो ड्रग मॉलिक्यूल होंगी वो क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करती है। अभी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं कर कर पाती है और बहुत आसानी से ड्रग मॉलिक्यूल इस एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर कर जाती हैं। ये जो कोई भी ड्रग हो, जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 600 से कम हो, या कोई भी ड्रग हो जो लिपिड सोलबल है, कोई भी ड्रग हो जो आयोनाइज है, कोई भी ड्रग हो जो अनआयोनाइज है, कोई भी ड्रग हो जो वाटर सोलबल है, मीन जो मैक्सिमम ड्रग है, मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स है वो ड्रग्स इस बैरियर को आसानी से क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाती हैं। मीन्स अब अभी तक उन्होंने जान लिया कि हमारा सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स क्या है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो दूसरा बैरियर है उसका नाम दिया गया सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स। अब ये सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर्स क्या होती हैं? अब क्या हो गया कि जो ड्रग है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करेगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो ड्रग एंटर करेंगी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर। अब जो सेल्स होती है, हम सभी को मालूम है कि सेल जो होती है उसके उसके जो आउटर कवरिंग होता है उसका हम नाम देते हैं इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। अब वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फिर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे, फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ पे बैरियर की तरह काम करेंगे और जो ड्रग हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वो ड्रग सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा याद करने को, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं इसका डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, इसका सेल मेम्ब्रेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पे उसको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना हम जान लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपॉइडल इन नेचर है। हम सभी को मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन लिपॉइडल इन नेचर होती है और लिपॉइडल इन नेचर होने के साथ साथ उस सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर्स या एक्वस चैनल्स भी पाई जाती हैं। अब जो ड्रग हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, यदि वो ड्रग लिपिड सोल्युबल है और ये सेल मेम्ब्रेन लिपॉइडल इन नेचर है तो बहुत आसानी से वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो ड्रग जो होगा हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, वहां पर एक्शन प्रोड्यूस कर लेंगे। और ये सपोज के लिए कोई ड्रग वाटर सोलबल ड्रग है या आयोनाइज ड्रग है या उस वो पोलर ड्रग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो जो एक्वस चैनल है, जो पोर्स है, बाय द फिल्ट्रेशन मेथड वो ड्रग हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। क्लियर हुई बात ये कि जो वाटर सोलबल ड्रग होंगे वो पोर्स के थ्रू बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेल के अंदर एंटर करेंगी और जो लिपॉइडल ड्रग होंगे, जो लिपिड सोलबल ड्रग होंगे वो हमारे एंडोथेलियल से वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे बाय द पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज ऑल्सो लिपॉइडल इन नेचर, तो लिपिड सोलबल ड्रग्स को एंटर करने में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें स्टडी कर लिया कि सिंपल ब्लड एपिथेलियल कैपिलरी एपिथेलियल बैरियर क्या है और सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर क्या है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर्स, कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स क्या होती है। क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज है, वो ब्लड कैपिलरीज हमारी जो आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन के अंदर, वहाँ भी ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी और वहाँ भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल्स पाए जाएंगे। अब वहाँ जो ब्लड ब्रेन के पास जो ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं और इसके साथ साथ क्या होता है कि वो टाइटली पैक्ड होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि वहाँ पे एक्वस पोर्स थे, चैनल्स थे, लेकिन जब ब्लड ब्रेन बैरियर के पास जो वहाँ पे जो एंडोथेलियल कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे, टाइटली
डिफेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, कोई भी पोर्स नहीं होगा, मतलब जो पोलर ड्रग होगा वो इस एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस नहीं करके ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं होता, जो हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है इस एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसका हम नाम देते हैं ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट्स। ग्लियल सेल्स या एस्ट्रोसाइट्स, ये ग्लियल सेल्स एस्ट्रोसाइट्स एंडोथेलियल सेल्स के बेसमेंट को कंप्लीटली एनवेलप कर लेती हैं और यहां पर भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि दो लेयर बन जाएंगी और इस दो लेयर बनने से क्या होगा कि जो लिपिड सॉल्युबल जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, जो पोलर ड्रग है या जो आयनाइज्ड ड्रग है, वो ड्रग इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी और इसका नाम क्या दिस बैरियर क्या नाम देंगे, इट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हमने यहां पे डायग्राम बना रखा है, जैसे ये हमारी यहां पे सपोज दिस इज द ब्लड कैपिलरी जहां पे ब्लड मूव कर रही है। अब ये ब्लड जब मूव कर रही है तो इस ब्लड का जो हमारी वाल हो गई, इस वाल में समझ लीजिए दिस इज द ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम। अभी जो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है, इस एंडोथेलियल सेल्स में कहीं भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाएंगी, ये एक टाइट जंक्शन होंगे, यहाँ पे कंप्लीटली टाइटली पैक्ड होंगे। नतीजा क्या होगा कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे, वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगे, वो यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा कि ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एंडोथेलियल का, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर फिर एक दूसरा स्पेशलाइज सेल है, उसका नाम क्या है, ग्लियल सेल्स है, दूसरा नाम दे सकते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ये जो ग्लियल सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स होंगे, इस तरह से दो लेयर बन गई। अब क्या होगा कि जो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होंगे, लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो या हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग करने का मतलब क्या हो गया कि जिस ड्रग का वाटर आयल पार्टीशन कोएफिशिएंट काफी हाई है, वाटर आयल पार्टीशन कोएफिशिएंट जिस ड्रग का काफी हाई है, मींस वो ड्रग हाईली लिपिड सॉल्युबल है, वो ड्रग बाय डिफ्यूजन मेथड हमारे ब्लड से ब्रेन के अंदर ब्लड से होते हुए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एंटर करेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ब्रेन में एंटर कर जाएंगे। इस तरह से पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जो लिपाइडल ड्रग्स होंगे वो लिपाइडल ड्रग्स से एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, जो आयनाइज्ड ड्रग होंगे, जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है, वो ड्रग या जिनकी मीडियम आयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है, क्या हमने वर्ड यूज किया कि मीडियम आयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट हो, वाटर सॉल्युबल ड्रग हो, आयनाइज्ड ड्रग हो, वैसी जो ड्रग्स होंगे वो ड्रग से ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और उस ड्रग के मूवमेंट में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होगा वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अब इसके बाद फिर एक और पॉइंट आता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन को एनवेलप करके रखती है, ब्रेन को कवर करके रखती है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जहां पर ये ब्लड बैरियर नहीं पाई जाएंगी, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वहां पे एब्सेंट रहेंगी ब्रेन के कुछ पोर्शन में। जिस पोर्शन में ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट होती है उस एरिया को हम नाम देते हैं ट्रिगर जोन, ट्रिगर जोन, या हम दूसरा नाम दे सकते हैं कीमो ट्रिगर जोन, सीटीजेड, शॉर्ट में कहते हैं सीटीजेड, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ट्रिगर जोन वर्ड यूज करते हैं या सीटीजेड यूज कर सकते हैं। और एक और एरिया होता है उसका नाम देते हैं मीडियम हाइपोथैलेमिक एमिनेंस, मीडियम हाइपोथैलेमिक एमिनेंस, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस के नीचे का जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को नाम देते हैं मीडियम हाइपोथैलेमिक एमिनेंस है, यहां पर भी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं पाई जाती है। जब यहां ब्लड मींस क्या हुआ कि इस एरिया से जो पोलर ड्रग होंगे वो पोलर ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो पोलर ड्रग आसानी से ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द दिस ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा एक और अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि सपोज करें कि हमारे पास कोई ड्रग है और वो ड्रग पोलर है, वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है और हमें उस ड्रग का एक्शन अपने ब्रेन में प्रोड्यूस करवाना है, तो हम उस ड्रग को ब्रेन के अंदर एंटर, मान लीजिए हमने उस ड्रग को ब्लड में डाल दिया तो ब्लड से होते हुए ब्रेन तक तो पहुंच जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर से ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, मीन्स वहां पर हम ड्रग को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रो ड्रग का यूज करते हैं। प्रो ड्रग का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ड्रग जो ड्रग इनएक्टिव ड्रग है और बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर दिया और उसको ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो गई। प्रो ड्रग क्या होगा, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, और ड्रग क्या होगा, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा और हमारी बॉडी उस प्रो ड्रग को ड्रग में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रो ड्रग लेंगे और ऐसा प्रो ड्रग लेंगे जो लिपिड सॉल्युबल है, वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करके वो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगे और ब्रेन फिर उसको मेटाबोलाइज करके उसको पोलर ड्रग में कन्वर्ट कर देगा। उसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द डोपामिन। सपोज करें कि जो डोपामिन होता है, हम सभी को मालूम है कि बॉडी के अंदर एक डिजीज है उसका नाम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज जनरली डोपामिन के एब्सेंस में होता है, डोपामिन के डेफिशिएंसी से होती है। अब हमें इस डिजीज को ठीक करने का हमें डोपामिन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ब्रेन में, लेकिन जो डोपामिन एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, जो उसको ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ब्लड तक से ब्रेन तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन जो
ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ब्रेन में एंटर नहीं होने देंगे, मींस ये कैपिलरी यहीं तक घट जाएंगे। तो अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करें, इसके लिए हम इसका प्रोड्रग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिवोडोपा। लिवोडोपा क्या है कि वो लिपिड सॉल्युबल होंगे और जब लिवोडोपा हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो लिवोडोपा इस ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा और ब्रेन के अंदर एंटर करने के बाद ब्रेन जो होगा उस लिवोडोपा को मेटाबोलाइज कर देगा, मेटाबोलाइज करके लिवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हम जो पार्किंसन डिजीज है जहाँ डोपामिन की डेफिशिएंसी थी तो उसको हम लोग ट्रीट करने उसको क्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स होते हैं जिस मेथड्स के द्वारा हम पोलर ड्रग को ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो मेथड्स क्या है कि जैसे एक हमारा ड्रग है उसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्सोन, या ड्रग नहीं कहेंगे हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल एड है डाइमिथाइल सल्फोक्सोन। जो डाइमिथाइल सल्फोक्सोन होता है ये हमारी इसकी ये परमिएशन एनहांसर है, परमिशन एनहांसर मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिशन होती है उस परमिशन को इंक्रीज कर देगा। तो हम क्या करेंगे पोलर ड्रग को लेंगे और डाइमिथाइल सल्फोक्सोन के साथ बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जब वो पोलर ड्रग डाइमिथाइल सल्फोक्सोन के साथ वो पहुंचेगा बाहर ब्लड ब्रेन बैरियर के पास है तो जो डाइमिथाइल सल्फोक्सोन होगा वो ब्लड ब्रेन के बैरियर के परमिशन को इंक्रीज कर देगा और ड्रग बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर एंटर कर सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक सिस्टम है जिसका नाम है डाइहाइड्रोपीरिडीन रिडॉक्स सिस्टम, मैं रिपीट कर रहा हूँ डाइहाइड्रोपीरिडीन रिडॉक्स सिस्टम। डाइहाइड्रोपीरिडीन रिडॉक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो डाइहाइड्रोपीरिडीन है ये कैरियर की तरह काम करता है। सपोज कर हमने बॉडी में कोई पोलर ड्रग डाला, अब ये पोलर ड्रग क्या करेगा कि वो डाइहाइड्रोपीरिडीन के साथ कंबाइन कर लेगा, जब डाइहाइड्रोपीरिडीन के साथ कंबाइन करेगा तो डाइहाइड्रोपीरिडीन उसको कैरी कर रहा है। अब ये डाइहाइड्रोपीरिडीन है बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अब क्या होगा कि जो ड्रग होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर डाइहाइड्रोपीरिडीन के साथ यहाँ से क्रॉस करके वो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर वहां जाकर डाइहाइड्रोपीरिडीन जो कैरियर की तरह काम कर रहा था वहां से ड्रग को रिलीज कर देगा और ड्रग अपना एक्शन ब्रेन में प्रोड्यूस कर सकता है। इस तरह से हम देखें कि कुछ मेथड्स हैं जिस मेथड्स के द्वारा जिस तरीका के द्वारा हम अपने जो पोलर ड्रग्स हैं उस ड्रग को भी ब्रेन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर पाई जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो सिर्फ लिपाइडल ड्रग को बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर एंटर करने देगा, लेकिन वो जो पोलर ड्रग होंगे जो वाटर सोलबल ड्रग होंगे उनको ब्रेन के अंदर एंटर करने से वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करती हैं, उनको लिए वो हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन ये है कि सपोज कर हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट वाटर सोलबल है, हमारे जैसे शुगर है शुगर वो वाटर में डिजॉल्व है अमीनो एसिड वाटर के साथ वो मिक्स किया हुआ है। अब ये जो शुगर अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर तो सिर्फ लिपाइडल सब्सटेंस को लिपाइडल केमिकल को ही ब्रेन में जाने दे रहा है, जैसे यदि मान लीजिए कोई जो पोलर ड्रग है जो वाटर सोलबल न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर है वो वाटर सोलबल न्यूट्रिएंट ब्रेन में कैसे एंटर करेगा, जैसे शुगर है तो शुगर यहाँ पे कैसे एंटर करेगा। तो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट होते हैं जो नेचुरल बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है जो नेचुरल प्रोडक्ट है फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, ड्रग कौन क्या करती है फॉरेन सब्सटेंस, जो ड्रग का हुई थी वो कोई भी केमिकल है वो फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, बॉडी का न्यूट्रिएंट है बॉडी का नेचुरल सब्सटेंस है। तो वो सब्सटेंस स्पेशलाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म यूज होगा वो स्पेशलाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के स्पेशलाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो ब्लड से ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगी, मींस इनको कैरी करने के लिए इस मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर होंगे वो कैरियर इसको कैरी करके ब्रेन तक पहुंचा देंगी। बात ये क्या हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हम लोग वर्ड यूज किए क्या लोग कर रहे थे वहां पे कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या होगा कि ड्रग किसी कैरियर के द्वारा एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो वाटर सोलबल न्यूट्रिएंट है बॉडी का नेचुरल मॉलिक्यूल है वो इस स्पेशलाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ब्लड से ब्रेन के अंदर एंटर कर सकती है। अब सपोज करके हमारे पास कोई ड्रग है उस ड्रग की जैसे स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शुगर से मिल रही है या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी अमीनो एसिड से मिल रही है या कोई स्ट्रक्चर सिमिलरिटी कोई हमारी बॉडी का अपनी न्यूट्रिएंट्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स से मिल रही है तो उस तरह का जो ड्रग है जो वाटर सॉल्युबल है लेकिन उसके स्ट्रक्चर सिमिलरिटी शुगर के साथ है या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी अमीनो एसिड के साथ है तो उस ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन या उस ड्रग का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी स्पेशलाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ब्लड से ब्रेन तक जा सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जैसे सपोज करें कि हमारे इस ब्लड ब्रेन बैरियर तो है जो जो हमारे जो वाटर सोलबल ड्रग उसको क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं सिर्फ लिपिड सोलबल ड्रग को क्रॉस कर दे रही है, लेकिन जो हमारे किसी भी कोई भी ड्रग हो वैसे वो पोलर ड्रग हो उसको हम नेजल रूट से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां से वो ड्रग आसानी से ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगे, वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या होता है कि जो नेजल सिस्टम होती है वो हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब के साथ कनेक्टेड होती है, वहां पे एक चैनल होता है जिस चैनल के थ्रू जो नेजल सिस्टम है
वो एल्फेक्टरी लोब के साथ कनेक्टेड है। मींस यदि हमने कोई ड्रग डाल दिया नोजल रूट से नॉस्ट्रिल के अंदर, तो वो ड्रग उस नॉस्ट्रिल से एब्जॉर्ब होते हुए उस चैनल के थ्रू डायरेक्टली वो ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएंगी और वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। तीसरे से उन्होंने जान लिया कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है और ये कैसे अपना एक्शन करता है, किस तरह से ड्रग के मूवमेंट को हैंडल करता है, मूवमेंट को रुकावट पैदा करता है। अब हम इसी ब्लड ब्रेन बैरियर का कुछ बेसिक क्राइटेरिया जान लेते हैं, कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है जो ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, जो लिपिड सोलबल ड्रग होंगे वो ड्रग ही सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यदि कोई ड्रग आयोनाइज हो गया, हाईली आयोनाइज ड्रग है, तो या जो वाटर सोलबल ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी ड्रग है जो मॉडरेटली वाटर सोलबल, मॉडरेटली वो लिपिड सोलबल है, मॉडरेटली लिपिड सोलबल है, या उसका जो आयल वाटर पार्टिशन कोफिशिएंट जो काफी कम है, या वो ड्रग पोलर है, तो वो ड्रग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि दो ड्रग है, एक का नाम है थायोपेंटल और दूसरे का नाम है फिनोबार्बिटल, थायोपेंटल एंड फिनोबार्बिटल। अब जो थायोपेंटल है इसकी जो लिक्विड सॉल्युबिलिटी होती है वो 50 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू द फिनोबार्बिटल। तो जो थायोपेंटल होगा बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, मीन जो ब्लड ब्रेन जो थायोपेंटल है कंसंट्रेशन ब्रेन के अंदर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द फिनोबार्बिटल के। इसके अलावा उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो हमारी जो पीएच होती है, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का पीएच होता है वो 7.35 होता है। अब क्या हुआ कि सपोज करिए कोई हमारे पास जो ड्रग है वो वीक ऑर्गेनिक बेस है, या कुछ ड्रग होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, तो यदि कोई ड्रग हमारा वीक ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म में होगा तो ये ड्रग इस पीएच पे आयनाइज हो जाएंगी और जब ये आयनाइज हो जाएंगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उसी तरह दूसरे तरफ क्या होगा कि जो वीक ऑर्गेनिक बेस्ड ड्रग होंगे वो आयनाइज नहीं होंगे इस पीएच पे, तो वो क्रॉस कर जाएंगे। मीन्स क्या होगा कि जो ड्रग के अंदर जो ड्रग के ब्रेन के अंदर एंट्री होगी तो वीक ऑर्गेनिक बेस की एंट्री ज्यादा फास्ट होगी कंपेयर टू द वीक ऑर्गेनिक एसिड के। उसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि जो ड्रग है फ्री फॉर्म में हो, फ्री फॉर्म में मतलब क्या हो गया कि सपोज जब ड्रग ब्लड के अंदर होता है तो प्रोटीन और जब इस कंडीशन में कोई भी ड्रग होगा बहुत आसानी से ब्रेन के अंदर एंटर कर सकती है। हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका कुछ एरिया ऐसा होगा जो वीक एरिया है, वीक एरिया मतलब वीक बैरियर है, वीक बैरियर मतलब कि वहां से पोलर ड्रग एंटर कर जाती है, जिसका हमने नाम दिया था कीमो ट्रिगर जोन या ट्रिगर जोन, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ट्रिगर जोन भी नाम दे सकते हैं या दूसरा नाम था कीमो ट्रिगर जोन जिसे शॉर्ट में CTZ भी कहते हैं, और दूसरा और नाम दिया गया था मेरियन हाइपोथैलेमिक एमिनेंस, मेरियन हाइपोथैलेमिक एमिनेंस ये कहां पाई जाती थी, तो जो हमारी हाइपोथैलेमस है उसके जो नीचे वाला एरिया होगा उसका नाम देगा मेरियन हाइपोथैलेमिक एमिनेंस। ये जो दो एरिया है वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा या होगा भी तो बहुत ही कमजोर होगा। ब्लड ब्रेन बैरियर्स में एक चीज और पाई जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे उस एंडोथेलियल सेल्स में कुछ एंजाइम्स पाई जाती है, जैसे कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज या कोलिनेस्टेरेज, कोलिनेस्टेरेज ये दोनों एंजाइम है, दोनों एंजाइम जो वहां पर जाएंगे, सपोज कोई ड्रग वहां पहुंच जाए एंडोथेलियल के साथ से, तो ये बैरियर तो उसको ब्लॉक कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये एंजाइम वहां पे है, एंजाइम इससे रिलेटेड कोई ड्रग वहां पहुंचेगा तो ये एंजाइम उनको मेटाबोलाइज कर देगा, कोलिनेस्टेरेज होगा उनको मेटाबोलाइज कर देगा, और जब वो ड्रग इनसे मेटाबोलाइज रहेंगे तो वो ड्रग फिर क्या हो गया कि हमारे ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। इससे हम देखते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर है काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर है और काफी स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है और बहुत ही ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, मीन्स ब्रेन के अंदर ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी का और उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ही जरूरी है नेचर को, इसलिए नेचर ने इस ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाया कि सिर्फ वही चीज ब्रेन के अंदर एंटर करेंगी जिसकी रिक्वायरमेंट ब्रेन के अंदर है, जिसकी रिक्वायरमेंट ब्रेन के अंदर नहीं है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर उसको रीएंटर नहीं करने देंगी। ये तुम्हारा नेचुरल नेचर हो गया, नेचर हमारे बॉडी को ऐसा बनाया है, लेकिन हम लोग इसे पूरा मैकेनिज्म समझ लिया कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है और किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब जो तीसरा बैरियर, तीन बैरियरों ने स्टडी कर लिया, पहला नाम दिया गया सिंपल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, दूसरा नाम दिया गया सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, चौथा नाम दिया गया ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो पांचवा बैरियर है दैट इज कॉल्ड द ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, मींस जो ब्लड है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो ब्लड है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उनके बीच की जो मूवमेंट हो रही है ड्रग की, ब्लड से ड्रग जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया वहां पर भी एक बैरियर पाई जाएगी और उस बैरियर को हम क्या नाम देंगे, दैट इज द ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर।
जो ब्लड शरीर में स्पाइनल फ्लूइड बैरियर्स होती हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है, लेकिन प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये बैरियर उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि हमारी ब्रेन वाली बैरियर स्ट्रांग होती है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक तो हमारी जो ग्लियल सेल्स है वो ग्लियल सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे ग्लियल सेल्स नहीं पाई जाती है। दूसरा जो कैपिलरी हमारी एंडोथेलियल कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज एंडोथेलियल लेयर्स है, ये जो कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर्स होंगे इसके अंदर ओपन जंक्शन पाई जाएंगे, मीन्स इसके अंदर पोर्स पाई जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो पोलर ड्रग है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ पोलर ड्रग होगा, वो आसानी से इस कैपिलरी को क्रॉस करते हुए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो कोरोनरी प्लेक्सस से होते हुए सीएसएफ में एंटर करेगा। देखिए मैं फिर से रिवाइज करता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज का जो ये लेयर है इसको क्या नाम दिया है, कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर। इस कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर में हमारी जो सेल्स होंगी वो कॉम्पैक्ट होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाएंगी। उसके बाद हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बाद आ गया हमारा कोरोइडल सेल्स। ये कोरोइडल सेल्स होते हैं, ये हमारी ये टाइट जंक्शन बनाती है, इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर जंक्शन नहीं होती है। अब चूंकि ये टाइट है इंटरसेलुलर जंक्शन नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे क्या था कि दोनों हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द कोरोइड सेल्स। मतलब क्या है कि जो पोलर ड्रग होंगे, जो लिपिड ड्रग होंगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आसानी से सीएसएफ में एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो पोलर ड्रग होंगे वो पोलर सपोज करें कि ब्लड से कैपिलरी एंडोथेलियल क्रॉस करता है, ये इसी पे पहुंच भी गया तो ये जो कोरोइड सेल्स है वो कोरोइड सेल्स उनको ब्लॉक कर देंगे। ऐसे सपोज करें किसी कारण से सीएसएफ में एंटर कर भी गया कि कोई पोलर ड्रग है, वो पोलर ड्रग है यहाँ पे एंटर होगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, बैरियर नहीं है जितना स्ट्रांग बैरियर ये था, यहाँ पे चांसेस है कि एंटर हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सीएसएफ होगा उसको एक्सक्रीट कर देगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन की कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीशन का प्रावधान है, यहाँ पे ये वीक है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी मैकेनिज्म है कि जो सीएसएफ से जो कोई ड्रग एंटर करेगा तो ड्रग को सीएसएफ तो एक्सक्रीट हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस हमारी कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो यूनिट डायरेक्शन होती है, यूनिट डायरेक्शन होता है एक तरफ से यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है वहां से सिंथेसाइज होकर ये एक डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। जब वो एक डायरेक्शन तरफ मूव करेंगे तो उस दरमियान क्या होगा कि यहाँ का जो सिस्टम होगा वो ड्रग को यहाँ से एक्सक्रीट कर देगा और इस तरह से दोबारा उसको ब्लड के अंदर एंटर करवा देगा। मीन्स ये बहुत स्ट्रांग बैरियर तो नहीं है जितना ब्लड ब्रेन बैरियर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिस्टम है कि यदि कोई पोलर ड्रग एंटर कर भी गया, कोई पोलर सब्सटेंस एंटर कर भी गया तो उसको वो वहां से सीएसएफ अपने वहां से एक्सक्रीट कर देगा। और इस तरह से हमने ये कुछ चार पांच सिस्टम के बारे में जान लिया कि हमारे ये बैरियर्स क्या क्या है, हमारी कौन कौन सी बैरियर बच गई, मेरी बच गई प्लासेंटल बैरियर्स एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर्स। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर उस सिस्टम पे आएंगे कि प्लासेंटल बैरियर्स क्या होते हैं और टेस्टिस बैरियर्स क्या होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटल बैरियर्स के बारे में, प्लासेंटल बैरियर्स क्या होती हैं। प्लासेंटल बैरियर्स प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जब फिटस होगा तो उस फिटस की जो ब्लड सर्कुलेशन है और मदर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उन दोनों के बीच में कुछ टिश्यूज होंगे, कुछ सेल्स होंगे, और वो जो टिश्यूज और सेल्स होती हैं वो एक बैरियर क्रिएट करती हैं और उस बैरियर को हम नाम देते हैं इट इज द प्लासेंटल बैरियर्स। इन बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फिटस एंड मदर जो बैरियर होगी उस बैरियर को हम नाम देंगे प्लासेंटल बैरियर्स। ये जो प्लासेंटल बैरियर्स होते हैं यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स तो पाई ही जाएंगे, जो सभी बैरियर्स पाई जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स वो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ भी पाई जाएंगी जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और सेल्स पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि जो फिटस है उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन एक लेयर पाई जाएगी, उसका नाम दिया जाता है ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एंडोथेलियल सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों मिलकर के एक बैरियर को क्रिएट करती हैं और एक बैरियर का फॉर्मेशन करती है, बैरियर को नाम देते हैं प्लासेंटल बैरियर, जो कि हर एक चीज को हर एक ड्रग को प्लासेंटा के अंदर सॉरी फिटस के अंदर एंटर करने से रोकता है, फिटस सर्कुलेशन एंटर करने से ब्लॉक करेगा। लेकिन ये जो बैरियर है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर थी, इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज ए ब्लड ब्रेन बैरियर, फिर भी अपने इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस कर देती है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे कोई मान लीजिए न्यूट्रिएंट है जो वाटर सॉल्युबल है, पोलर कंपाउंड है, वो पोलर कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट है, जो नेचुरल न्यूट्रिएंट है, बॉडी का नेचुरल पार्ट है, वो भी यहाँ पर भी स्पेशलाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा फीटस के सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन वो एंटर करती है। ठीक इसी तरह से
जो मदर की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो मदर के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, वो एंटीबॉडीज भी फीटस में एंटर करती हैं और वहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज बाय द एंडोसाइटोसिस। मींस यहाँ पे दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जो नेचुरल सब्सटेंस को फीटस तक पहुंचा रही है। एक और न्यूट्रिएंट उन्होंने नाम किया दिया दैट इज स्पेशल एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और दूसरा जो है जो इम्यूनोग्लोबुलिन होगी जो एंटीबॉडीज होगी उनके जो दैट इज एंडोसाइटोसिस। अब चूंकि ये जो हमारी जो ये प्लासेंटल बैरियर है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ ड्रग इसके थ्रू क्रॉस कर सकती हैं और ड्रग फीटस में पहुंच सकती हैं, और जब वो ड्रग फीटस में पहुंचेंगी तो फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है, फीटस के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। यदि कोई ड्रग ऐसा है जो ड्रग प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने के बाद फीटस को हार्म पहुंचा रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दो जगह बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। जो पहले के 3 महीने होते हैं वहाँ पे हमें ज्यादा प्रिकॉशन रखनी होती है कि जब ड्रग हम किसी भी फीमेल लेडी को देंगे तो हम बहुत सावधानी से देंगे क्योंकि वो ड्रग क्रॉस कर सकता है। यदि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उस समय क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही होती है उन फॉर्मेशन को डिफॉर्म कर सकता है, उन फॉर्मेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उन फॉर्मेशन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जब लोग जो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जब किसी ड्रग को इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी के अंदर चला गया और वो ड्रग क्रॉस करके वो प्लासेंटा के अंदर प्लासेंटा से क्रॉस होते हुए फीटस तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो चुकी होती हैं उन फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती हैं, उन फिजियोलॉजिकल सिस्टम को ये हार्म पहुंचा सकती हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो प्लासेंटल बैरियर्स है वो प्लासेंटल बैरियर्स होती हैं, बहुत सारे ड्रग को ये रोक लेती हैं, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्टिव होती हैं। इसलिए हमेशा हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए कि कोई प्रेगनेंट लेडी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्रग को अवॉइड करें, मेडिसिन उनको यूज मेडिसिन उनको प्रेस्क्राइब न करें, बहुत इमरजेंसी कंडीशन में ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाए क्योंकि जो प्लासेंटल बैरियर है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और वो टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और द लास्ट ट्राइमेस्टर्स होंगे वहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ज़्यादा प्रिकॉशन रखना होता है। इसके बाद जो लास्ट है दैट इज द ब्लड एंड टेस्टिस बैरियर, वहाँ पर लीसेस बैरियर पाई जाएंगी और वहाँ पर जो बैरियर्स होती हैं वो बैरियर्स ड्रग को टेस्टिस के अंदर मीन्स स्पर्म से कॉन्टैक्ट में होने से प्रोटेक्ट करती है, स्पर्म का प्रोटेक्शन के लिए वो बैरियर को क्रिएट किया गया है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया कि क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं और जो मेन हमारे दो बैरियर्स थे प्लासेंटल बैरियर और हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं उन दोनों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस कंसेप्ट को समझाने में कामयाब हुआ हूँगा और आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।